बना के दिए मिट्टी के, हमने भी आस पाली है, मेरे भी दिए खरीद लो दोस्तों, मेरे घर भी दिवाली है। ये बात मेरी नहीं है बल्कि उन तमाम लोगों की है जो लोग इस मिट्टी के दिए को बनाते हैं। इस मिट्टी के दिए को गढ़ने में इन्हें काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। इससे पहले गढ़ते हैं, मिट्टी लाते हैं, उसे बढ़िया से गूंथते हैं, फिर उसे चाक पे गढ़ा जाता है और फिर इसे पकाया जाता है। एक मिट्टी को दिए को बनाने में 3 से 4 दिन लगते हैं, सैकड़ों दिए एक साथ बनते हैं, लेकिन क्या उतनी मजदूरी नहीं मिल पाती है और लोग कितनी मजदूरी दे पाते हैं इसके बारे में जानते हैं। आप मिट्टी के दिए बनाते हैं, आपको क्या लगता है कि जितना मेहनत आप करते हैं उतना आपको पैसा मिल पाता है? कहाँ पैसा मिला था, जितना हमने के मेहनत करते हैं उतना पैसा मिलता है नहीं के मिला, बहुत काफी मेहनत बटे है। पहले की अपेक्षा कितना लगा था कि कम बिकता? हाँ अब कम बिक तो बटे, एक जगह थोड़े आदमी बा, चारों बगल बेचा था लोग, आए कहाँ बिक्री उतना चलता, देखत बढ़ रही बनी। बिल्कुल, सभी लोग देख रहे हैं कि ये मिट्टी के दिए जो काफी मेहनत से बनते हैं, काफी टाइम लगता है इस दियो को बनाने में, लेकिन इस दिए की जो खासियत है वो ये है कि इसमें सरसों के तेल से दीप जलाए जाते हैं। सरसों के तेल से दीप जलाने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि इस दिए में जो बाती डाली जाती है और तेल डाले जाते हैं उससे कई कीटाणु मरते हैं, वातावरण शुद्ध होता है, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन ये दिए खरीदने वाले कम लोग हैं और इसे जब लोग खरीदते हैं तो काफ़ी दाम कम लगाते हैं, जो मेहनत है वो भी नहीं मेहनत मिल पाती है। आप पूरी तस्वीरों में ये देख सकते हैं कि यहाँ तमाम तरह के दिए पड़े हैं लेकिन यहाँ लोग नहीं दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि 2 दिन बाद दिवाली, 1 दिन बाद दिवाली है और दिवाली में दियों को खरीदने के लिए लोग नहीं दिख रहे हैं। तमाम तरह के यहाँ पे दुकानदार हैं, युवा दुकानदार भी हैं। आप लोग बताइए कि आप दुकान ये दिया बेच रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि जो पहले की अपेक्षा अभी भी ज़्यादा बिक रहा है कि कम बिक रहा है? पहले से तो सर कम ही बिक रहा है और ऐसा हुआ है, मतलब जैसे दिए आए हैं प्लास्टिक के वो तो मतलब आया जब से, मतलब बहुत कम इलेक्ट्रॉनिक दिया। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक आया जब तक उस, मतलब ऐसा हुआ है कि मतलब बिक नहीं रहा है पहले से जैसा बिकता था। बिल्कुल, ये दिए जो हैं तमाम तरह के यहाँ पे लोग हैं, ये बताइए कि ग्राहक ज्यादा आ रहे हैं कि नहीं? नहीं उतना, पहले से बहुत कम आ रहे हैं ग्राहक। कम ग्राहक आ रहे हैं। अच्छा, आप लोग जितना मेहनत करते उतना पैसा मिल पाता है? ना उतना कहाँ पैसा मिलता है, सब चाइनीज सामान आ गया, उसके आगे ये क्या वैल्यू है? लोग दिया बांधने के लिए ले जाते हैं बस। चाइना सामान तो बंद कर दिया गया? बंद कर दिया गया, फिर भी आ रहा है। कुछ ऐसा आइटम है जो आदमी को वही पसंद पड़ रहा है, मिट्टी के बर्तन की उतना चाट लोग नहीं कर रहे हैं। देखिए मिट्टी के बर्तन पे लोग बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं और ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं दूर दूर तक, देखिए सभी दुकान में दुकानदार जो हैं मिट्टी के बर्तन जो बेच रहे हैं, इनकी जो ये दुकानें हैं ये बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं, यहाँ खरीदार कम दिख रहे हैं। आखिर में खरीदार क्यों कम है और इनके मेहनत का उतना मुआवजा नहीं मिल पाता है जितना इन्हें चाहिए? तो हम भी तमाम सिवान वासियों, तमाम लोगों से ये आग्रह करते हैं कि इनके घर भी दिवाली है और हम इनके मेहनत का अगर थोड़ा सा भी मुआवजा दे सकते हैं तो ज़रूर दें और शुद्ध सरसों के तेल के दिए जलाएं, हालांकि कम ही जलाएं लेकिन जलाएं ज़रूर, क्योंकि इनके घर भी दिवाली है। सिवान से कैमरा पर्सन आशीष के साथ आकाश न्यूज़ व्यूज।